तो सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 2 भी रिलीज हो चुका है, वो एपिसोड नंबर 1 से भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर हमें दिखाई जाती है द आइकॉनिक स्माइल ऑफ सोलो लेवलिंग। सो इस एपिसोड के अंदर क्या क्या हुआ वो डिस्कस करेंगे, एक ऐसी चीज भी बताऊंगा जो आपने नोटिस नहीं करी होगी। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था एपिसोड 1 के अंदर कि हमारा हीरो एंड हीरोइन जो है एक डंजन के अंदर फंस चुके हैं, जहाँ पर भाई बहुत सारे स्टोन्स हैं एंड वो एक एक करके लोगों को मार भी रहे हैं। तो उसके आगे की कहानी इस एपिसोड के अंदर दिखाई गई है। सो एपिसोड 1 के अंदर हमने एक स्टोन भी देखा था जिसके ऊपर कुछ कुछ मैसेज लिखे हुए थे। वो मैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो एपिसोड 2 के अंदर बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। सो हमारा हीरो सोच रहा होता है कि वो इस जगह से कैसे बच के जा सकता है। उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि भाई एक मैसेज भी लिखा हुआ था, वो मैसेज को ध्यान से पढ़ता है एंड वो ऐसा सोच रहा था। इसी बीच में भाई पता चलता है कि हमारा जो कैप्टन था उसका हाथ कट चुका है। तो इसी बीच में हमारा हीरो उस मैसेज को एनालाइज करता जो हमें एपिसोड 1 के अंदर दिखाया गया था एंड जो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था, जिसके पहला रूल था कि गॉड की रिस्पेक्ट करो, सेकंड रूल था कि गॉड को प्रे करो एंड थर्ड चीज था कि गॉड पर बिलीव करो। एंड इस चीज से हमारे हीरो का आइडिया आता है कि अगर हम गॉड के सामने झुक जाएंगे तो वो ऐसे मान जाए एंड वो ऐसा ही करता है। इसी बीच में एक बंदे की मौत भी होती है। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है लोगों को कि भाई गॉड के सामने झुक जाओ एंड वो ऐसा ही करते हैं एंड ऐसा करने के बाद हमारा गॉड भाई खुश हो जाता है एंड वो करता है स्माइल। एंड स्माइल करने के बाद वो गॉड खड़ा हो जाता है। जब वो खड़ा होता है ना तो भाई एक बंदे की फट जाती है क्योंकि उसको लगता है कि सब ओवर हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। स्माइल करने के बाद वो गॉड खड़ा हो जाता है एंड वो आगे बढ़ने लगता है। ऐसा करता है जब हमारे हीरो को याद आता है सेकंड मैसेज जो कि था कि गॉड को प्रे करो। वो लोगों को बताते कि हमें गॉड की प्रे करनी पड़ेगी। इसी बीच में एक बंदा आता है, कहता भाई मुझे आता है प्रे करना है, उसे हाथ जोड़ के उसके सामने बैठ जाता है एंड बोलता है कि हे भगवान एंड गेस व्हाट, वो भी मर जाता है। फिर हमारा हीरो आसपास देखते हैं, उसे एहसास होता है कि कुछ मूर्ति ऐसी है इनके पास वेपन है, कुछ मूर्ति ऐसी है इनके पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो वो लोगों को बोलता है कि हर एक आदमी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नीचे खड़ा हो जाओ एंड वो ऐसा ही करते हैं एंड सब एक ही मूर्ति के नीचे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन इसी बीच में हमारा हीरो रह जाता है, उसका पैर कट जाता है उस मूर्ति तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन वो पहुंच ही जाता है किसी तरीके से। इस तरीके से जो है वो गॉड को खुश कर लेते हैं एंड गॉड जाके फिर से बैठ जाता है। फिर हमारी हीरोइन आती है भागे भागे हीरो के पास एंड उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन वो थोड़ा नाकाम हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई है, अच्छे से नहीं कर पाती लेकिन कर लेती है। एंड फिर आता थर्ड स्टेप बिलीव इन गॉड एंड इसमें लोगों का एहसास हो जाता है कि उनको किसी न किसी सेक्रीफाइस करना पड़े। तो हमारा कैप्टन बोलता है कि मैं मर जाता हूँ, लेकिन नहीं, हमारा हीरो एनालाइज करता है, कहता है कि रुको मेरे पे एक ऑप्शन है एंड वो सबको बोलता है कि आ जाओ भाई अखाड़े में। एंड इस सीन के बाद से जो हमारी स्टोरी है वो गंभीरता की तरफ बढ़ती है। तो उस मैप में एक छोटा सर्कल टाइप का कुछ बना होता है, उसके अंदर जैसे एक बंदा जाता है तो वहां पर एक फायर जल जाती है, जब दो बंदे जाते हैं तो दो फायर। तो इसी तरीके से जब सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं तो जितने लोग थे उतनी फायर वहां पर जलने लग जाती है। दो तरह की फ्लेम होती है, एक येलो एंड एक ब्लू। ब्लू थी जो टाइम को दर्शा रही थी एंड जो येलो थी वो बता रही थी लोगों को। ये चीज हमारे हीरो की समझ में आई थी और किसी को समझ में नहीं आई थी। एंड जब वो उसके अंदर एंटर कर गए थे उसी टाइम पर गेट भी खुल चुके थे जो कि बंद हो गए थे एपिसोड 1 के अंदर। एंड अब लोगों के पास चांस है कि भाई वो भाग सकते हैं एंड जा सकते हैं उस दरवाजे के उस तरफ। एंड जब वो लोग सर्कल के अंदर खड़े हुए होते हैं उसी टाइम पर जो बाकी मूर्तियां थी वो चलने लग जाती है उन लोगों की तरफ। एंड हमारा हीरो को ये एहसास होता है कि अगर हम उनकी तरफ देख रहे हैं तो वो रुक जाती है। तो लोगों को बोलता है कि सब के सब एक एक मूर्ति की तरफ देखो जिससे कि वो मूर्ति आगे नहीं बढ़ेंगी एंड कुछ टाइम बाद हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन भाई कुछ लोग होते हैं जिनकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनको इस बात पे विश्वास नहीं होता एंड वो लोगों की परवाह ना करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं एंड वो सक्सेसफुल हो जाते हैं इस चीज के अंदर क्योंकि वो गेट के उस तरफ पहुंच जाते हैं। एंड एक एक करके सारे लोग ऐसे ही करते वो जाने लग जाते हैं। लास्ट में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, हमारा हीरो, हमारी हीरोइन एंड कैप्टन। कैप्टन बोलता है हमारे हीरो को कि हीरोइन को लेके यहाँ से चले जाओ, लेकिन हमारा हीरो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप एक काम करो, आप इसको लेके आप ही चले जाओ। कैप्टन मान जाता है लेकिन हीरोइन नहीं मान रही होती, तो कैप्टन बुद्धि पे एक देता है उसके एंड वो शांत हो जाती है। फिर हमारा कैप्टन हीरो की हीरोइन को लेकर चला जाता है, सिर्फ हीरो बचता है एंड वहाँ पर सारी की सारी मूर्तियां उसके ऊपर अटैक कर देती हैं क्योंकि वो एक टाइम पर सारी मूर्तियों को नहीं देख सकता। एंड इसी बीच में उसका हाथ कटता है, पैर कटता है, लिम्ब कटता है, उसको भाई बहुत ज्यादा मारा जाता है एंड वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। लेकिन इसी टाइम पर जो लास्ट फ्लेम थी ब्लू वाली जो टाइमर की थी वो भी खत्म हो जाती है एंड इसी पे एपिसोड एंड होता है। एपिसोड एंड होने से जस्ट एक सेकंड पहले एक और मैसेज हमें दिखाया जाता है। उस मैसेज के अंदर ये लिखा था कि तुम्हारा हार्ट 0.02 सेकंड के बाद बंद होने वाला है, क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो? एंड हीरो चूज करता है यस। तो बस एपिसोड के अंदर इतना ही हुआ था। लेकिन एक चीज जो मैंने बताई थी कि आपने नोटिस नहीं करी होगी वो ये है कि जो सीन हमें दिखाया गया था जब हमारा गॉड उठता है सब उसको प्रे कर रहे होते हैं, उस टाइम पर भाई एक मानवा का सीन है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ही मीम्स बनी थी। भाई आइकॉनिक सीन था लेकिन इसको एनिमेट नहीं किया गया। आपने भी इसके ऊपर जरूर एक ना एक मीम तो देखी होगी। वेल हाँ, ये वाला पार्ट हमें नहीं दिखाया गया लेकिन हमें एनिमेटर पे विश्वास है क्योंकि भाई हमें जो भी दिखाया गया वो सब कुछ बेस्ट था एंड वो सब कई सीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो इसलिए नहीं दिखाया है ना। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सो हमने देखा था एपिसोड 1 के अंदर